दीन दयाल बिरदु संभारी, हर हुनाथ मम संकट भारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जय विधि नाथ होए हित मोरा, करो सुबेगी दास में तू। और कहा है कि अवध धाम धामाधिपति अवतारन पति राम, सकल सिद्ध पति जानकी दासन पति हनुमान। तो दासों के जो स्वामी है वो हनुमान जी महाराज हैं। नमस्ते भारत में, आपका बहुत स्वागत है। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के महावीर मंदिर परिसर में। हम यहाँ अभी पवनसुत हनुमान बजरंगबली महाबली का दर्शन करके आए हैं, तो सोचा कि पटना के मशहूर महावीर मंदिर का आपको भी दर्शन करवा दूं, इनकी महिमा के बारे में बता दूं, इनके इतिहास के बारे में बता दूं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं महावीर मंदिर का इतिहास से लेकर मौजूदा वक्त तक के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने नमस्ते भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपको देश की सैर के साथ साथ ख्याति प्राप्त आस्था के केंद्रों का दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों, आप देश के किसी भी कोने से कभी भी अगर पटना आते हैं तो चंद मिनट का समय निकालकर पटना जंक्शन से बिल्कुल सटे महावीर मंदिर का दर्शन जरूर करें, क्योंकि यह मंदिर पूरे देश में हनुमान जी की 37 चमत्कारी मंदिरों में से एक है। पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर को मनोकामना मंदिर कहा जाता है। यहाँ राम भक्त हनुमान जी की युग्म प्रतिमाएं स्थापित है। इस युग्म प्रतिमा का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं, एक मूर्ति परित्राणाय साधु नाम, अर्थात अच्छे लोगों के कारज पूर्ण करने वाली है, और दूसरी मूर्ति विनाश चाय च दुष्कृतांबु, अर्थात बुरे लोगों की बुराई दूर करने वाली है। यहाँ मंगलवार और शनिवार के दिन बड़ी संख्या में भक्त जुड़ते हैं। यहाँ संकट मोचक की युग्म प्रतिमा भक्तों के हृदय में विशेष स्थान रखती है, तभी तो इस महावीर मंदिर की ख्याति मनोकामना पूरी करने वाले धाम के तौर पर है। श्रद्धा के सामने कोई महत्व नहीं पूछा जाता, आपके अंतरात्मा की आवाज़ होनी चाहिए। श्रद्धा से बढ़कर कुछ नहीं है, जो इच्छा हो चढ़ा सकते हैं। ये तो गुलाब ही है, पुष्प है। अक्सर मतलब आते हैं यहाँ। बजरंगबली की जय हो। अभी दीपक जलाए थे, मांगे हुए थे ना, तो वही दीपक जलाने आए थे ऑनलाइन। हाँ, कोविड के टाइम का मन्नत था तो से नहीं, हम पटना में रहते हैं, ये लोग रांची। बताइए हनुमान जी के बारे में कुछ बताइए। इनके लिए क्या बोलेंगे, ये तो भगवान है, सब चीज़ सुनते हैं। आपकी सुने हैं उसके बाद हम ऐसा सुनते हैं। और ये मतलब यहाँ के बारे में क्या जानते हैं? हम तो और कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि जो मांगो वो पूरा करते हैं, बस इतना ही जानते हैं। महाबली हैं मतलब? बिल्कुल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। महावीर मंदिर का क्षेत्रफल करीब 10,000 वर्ग फुट है। मंदिर परिसर में आगंतुकों और भक्तों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद है। मंदिर परिसर में प्रवेश करने के बाद बाईं तरफ एक चबूतरे पर सीढ़ियों का श्रृंखला है जो गर्भगृह की ओर जाती है। मंदिर की पहली मंजिल पर देवताओं के 4 गर्भगृह हैं। इनमें एक भगवान राम का मंदिर है जहां से इसका प्रारंभ होता है। राम मंदिर के पास भगवान कृष्ण का चित्रण किया गया है जिसमें वे अर्जुन को धर्मोपदेश दे रहे हैं। इससे अगला देवी दुर्गा का मंदिर है। इसके बाद भगवान शिव ध्यान करती माँ पार्वती और नंदी पवित्र बैल की मूर्तियाँ हैं जो लकड़ी के कटघरे में रखी गई है। लकड़ी के इस कटघरे में शिव जी की ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया गया है। खास बात यह है
कि यहाँ राम सेतु का पत्थर कांच के बर्तन में रखा है। इसका वजन 15 किलो है और यह पानी में तैरता रहता है। यहाँ आने वाले भक्त यहाँ आकर खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं और कई तो बार बार आकर राम भक्त हनुमान जी की कृपा पाते हैं। उनके प्रति इन भक्तों की श्रद्धा अटूट है। अक्सर नहीं, हम बेसिकली उत्तर प्रदेश से, मेरे बच्चे यहाँ रहते हैं, प्रयास करते हैं कि जब भी पटना आए तो महावीर मंदिर में हनुमान जी के दर्शन हों। जी, ये बताइए कि मतलब यहाँ आके मतलब क्या शांति मिलती है? देखिए, मैं जो है शुरू से ही भगवान राम का अनुयायी रहा हूँ, क्योंकि हनुमान जी उनके भी परम भक्त हैं और कहा है कि अवध धाम धामाधिपति अवतारन पति राम सकल सिद्ध पति जानकी दासन पति हनुमान। तो दासों के जो स्वामी हैं वो हनुमान जी महाराज हैं। तो जहाँ भी कहीं इनकी शरण में जाने से बहुत अच्छा लगता है और महावीर मंदिर इतना फेमस भी है, तो यहाँ आके इनकी शरण में आके बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे आने का एक मतलब, कई लोग कहते हैं कि हनुमान जी सभी भक्तों का सुनते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए हमारे पास श्रद्धा होनी चाहिए। अगर सिर्फ हम ये सोच के आएंगे कि हम प्रसाद चढ़ा देंगे और मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारे पास अटल श्रद्धा होनी चाहिए कि मेरा ऐसा काम होगा ही, चाहे हम जैसे भी आएंगे तभी आपका काम होगा। हमारे पास अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई स्कीम लेके आए कि हम साहब में अब आ रहे हैं कि मेरा ये काम हो जाए, प्रभु जी हम आ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। हमारे पास अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। कोई भी समय है, कभी भी है, आपका जब इच्छा करे, जब मन करे तो आना चाहिए। तो निश्चित रूप से हनुमान जी जो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, अगर आपके पास अटूट श्रद्धा है और भक्ति है। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, सियाराम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी, जय विधि नाथ होय हित मोरा करहु सुबेगी दास मैं तो। जय श्री राम। जय श्री राम। अक्सर आती हैं आप मैम? सॉरी, कह रहे हैं कि आप यहाँ हनुमान जी के दर्शन के लिए मंदिर क्यों? मैं अक्सर आती हूँ, जब भी मतलब अभी तो छोटे बच्चे हैं और ये कोरोना था तो इसलिए बंद था, लेकिन जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है या जब भी मन विचलित होता है, बचपन से आ रहे हैं यहाँ। आपने कहा कि मन विचलित होता है, तो हनुमान जी सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं। यहाँ पता नहीं, मंदिर ऐसा परिसर है जहाँ आके शांति मिलती है। घर में बैठे बैठे लोग, पता नहीं बच्चे ही हैं अपने बच्चे, फिर भी ऐसे लगता है थोड़ा मंदिर जाना चाहिए, अंदर से भाव आता है और यहाँ आके सचमुच में शांति मिलती है। मंदिर के दूसरे मंजिल पर राम कथा का पाठ चलता रहता है, जहाँ हमेशा भक्तों का ताता लगा रहता है। यूं तो पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर हर रोज हनुमान भक्तों से गुलजार रहता है, लेकिन इसके इतिहास में झांकने पर पता चलता है कि मौजूदा महावीर मंदिर सदियों से भक्तों के आस्था का केंद्र रहा है। हाँ, मौजूदा दौर में मंदिर का स्वरूप जरूर बदल गया है, लेकिन 300 साल पहले भी यहाँ इसी तरह भक्तों का ताता लगता था। ये बात अलग है कि तब महावीर मंदिर इतना भव्य नहीं था। जानकार कहते हैं, पटना जंक्शन के सामने एक विशाल पीपल का पेड़ हुआ करता था, जिसके पास बिहार मिष्ठान भंडार नाम का दुकान था। करीब 300 साल पहले रेलवे की जमीन पर बजरंग बली की जोड़ा प्रतिमा स्थापित की गई और पूजा शुरू हो गई। स्टेशन जाने वाला रास्ता उस समय कच्चा था, जिस पर बैलगाड़ी चला करती थी। इसी रास्ते से गुजरने वाली बैलगाड़ियों से चंदे में एक एक ईंट जुटाकर महावीर मंदिर बनाया गया। राम नवमी के मौके पर यहां श्रद्धालु ढोलक झाल लेकर चैता गाते थे और पटना के गांव के लोग इसमें शरीक होते थे। पूरे नवरात्र यहां भक्तों का मजमा लगा रहता था। जानकारों के मुताबिक साल 1730 में स्वामी वालानंद ने पटना जंक्शन के पास महावीर मंदिर की स्थापना की थी। रामानंद संप्रदाय से जुड़े सन्यासी साल 1900 तक महावीर मंदिर के मुख्य कर्ता धर्ता थे। फिर 1948 तक
गोसाई सन्यासियों का महावीर मंदिर पर प्रभुत्व रहा। 1948 में पटना हाईकोर्ट ने इसे सार्वजनिक मंदिर घोषित कर दिया। अभी जो मंदिर है इसका स्वरूप 1983-85 के बीच आया और इसे संभव बनाया पूर्व चर्चित आईपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल ने। ऐसा है जो प्रामाणिक इतिहास है उसके अनुसार 1900 ईस्वी में कलखिया बाबा थे जो गोसाई संप्रदाय के थे, गोसाई में शक्त संप्रदाय के थे, उन्होंने मंदिर की चार दीवारी बनाने के लिए रेलवे से नहीं नगर पालिका से परमिशन मांगा था। यह 1948 के जजमेंट में लिखा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने रेलवे से ज़मीन मांगी थी, रेलवे ने ज़मीन भी उनको दी थी ये कुछ विस्तार करने के लिए। तो 1900 ईस्वी से लेकर 1923 तक लखिया बाबा इस मंदिर के महंत कहिए पुजारी कहिए जो वो थे। उसके बाद उनकी बेटी विष्णुदेवी कुंवर थी, उसके बाद उनका नाती झूलन गिर था, फिर 1937 में स्थानीय लोगों ने कमेटी बनाई। उस कमेटी और लखिया बाबा के वंशजों में काफ़ी विवाद चला, मुकदमेबाजी हुई, परंतु 1948 ईस्वी में पटना हाईकोर्ट के उस समय जज थे जस्टिस वीपी सिन्हा, जो बाद में भारत सरकार के भारत के चीफ जस्टिस हुए, तो उन्होंने दिया कि ये सार्वजनिक मंदिर है, यहाँ पुजारी का पोस्ट है, और उस समय से यहाँ पुजारी का पोस्ट है पर सार्वजनिक मंदिर है, इसमें कोई मंत्री सिस्टम नहीं है। और 1948 से लेकर के 1987 तक एक कमेटी थी, उस कमेटी को 1987 में भंग किया गया। ऐसे 1983 ईस्वी में इस मंदिर का नवनिर्माण प्रारंभ हुआ। पहले बहुत छोटा मंदिर था, तो मैं ही पटना का सीनियर एसपी था, तो 20 नवंबर 1983 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस मंदिर का शिलान्यास किया था, और 4 मार्च 1985 को यह नया मंदिर बन गया। उसके बाद भी पुराने जो लोग थे वही लोग इसकी व्यवस्था करते थे, लेकिन वे लोग कहीं अपराध में शामिल पाए गए, पुलिस का अपना मामला था, तो उन लोगों ने पुलिस वालों ने उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तो उसके 2.5-3 साल के बाद एक कमेटी बनी जो हम लोगों की कमेटी है। पटना के पुराने लोग बताते हैं कि पटना जंक्शन के सामने बजरंगबली की मूर्ति की पूजा करने मीठापुर के रहने वाले झूलन पंडित आते थे। अभी जो महावीर मंदिर है उसके ठीक पीछे अंग्रेजों का मुस्लिम कैंटीन हुआ करता था। मंदिर के पास लोहे का गेट था जो शाम के बाद बंद हो जाता था ताकि स्टेशन की ओर कोई न जा सके। उस समय रात में ट्रेनें नहीं चला करती थी। मंदिर के सामने बांकीपुर जेल था जहां आज बुद्ध स्मृति पार्क है। मंदिर से पूरब चिड़ैया टार कुम्हार टोली के पास चंदवा पोखर था जहां आसपास के गांव गोरिया टोली पृथ्वीपुर लोहानीपुर के लोग स्नान करते थे। यहां स्नान करने के बाद कई लोग महावीर मंदिर में पूजा करने आते थे। 1930 के आसपास मीठापुर के महादेव लाल ने महावीर मंदिर के पास बेसन के लड्डू की दुकान खोली थी। इसके पहले यहाँ पेड़े की दुकान थी। उस समय ना तो फूल माला की दुकानें होती थी और ना ही प्रसाद की। ज़्यादातर महिलाएं घर में बने पकवान लाकर मंदिर में पूजा करती थीं। राम नवमी के अवसर पर लोग घरों में उपवास रखते थे, महिलाएं पूजा के लिए पकवान बनाती थीं। हर घर से
महावीरी पताका लेकर लोग मंदिर आते थे, यहाँ ध्वज गाड़ते थे। राम नवमी के दिन शोभा यात्रा की परंपरा भी पुरानी है। इसमें बड़ी संख्या में नौजवान शामिल होते थे। आज की तरह तब साधन नहीं थे, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं दिखती थी। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। आज महावीर मंदिर की कई विशेषताओं में एक इसका प्रसाद नैवेद्यम है, जिसे तिरुपति के कारीगरों द्वारा तैयार किया जाता है। इस प्रसाद में बेसन, चीनी, काजू, किशमिश, हरी इलायची, कश्मीरी केसर समेत अन्य सामग्री डालकर घी में बनाया जाता है। महावीर मंदिर का नैवेद्यम लड्डुओं का पर्याय है। इसी से हनुमान जी को भोग लगाया जाता है। इसकी शुरुआत के बारे में आचार्य किशोर कुडाल बताते हैं कि ऐसा है, मैं 1990 से 92 तक भारत सरकार में अयोध्या का ओएसडी था, और मेरे साथ एक अयोध्या भारत सरकार में नरसिंहा राव जी जब प्रधानमंत्री थे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन थे, वो कभी तिरुपति ट्रस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। तो उन्हीं को कह करके तिरुपति के कारीगरों को यहाँ लाया था। सब वहाँ डरते थे कि स्टेशन से उतरेंगे गोली मार दिए, गोली से हत्या हो जाएगी, गोली मारकर। 6 महीने के लिए आए थे कि यहाँ सिखा कर लौटेंगे, लेकिन उन लोगों ने यहाँ का वातावरण अच्छा देखा तो रह गए। तो शुरू में जो थे वो आए थे वेतन पर, भोजन पर, इस पर। बाद में हमने क्या किया कि जितनी बिक्री होती है उसका हम लोग अभी 9% उनको देते हैं। तो वो लोग उत्साहपूर्वक काम करते हैं कि जितनी बिक्री अधिक बढ़ेगी उतनी आय उनकी भी बढ़ेगी। तो वो लोग उत्साहपूर्वक काम करते हैं, और इसकी ख्याति अभी सब जगह फैलती गई है, जा रही है। विकेनिया में जो होता है नवरात्र, उसमें भी जो नैवेद्यम बनता है वो हमारे यहाँ के ही जो हैं सह्याद्री, वही जाते हैं, वही बनाते हैं। इतना ही नहीं, कमाई के मामले में भी महावीर मंदिर आज देश के अग्रणी मंदिरों में से एक है, और मंदिर की ओर से देश भर में बहुत सारे सामाजिक योजनाएं चलाई जा रही है। यह उत्तर भारत का पहला मंदिर है जिसने 5 बड़े अस्पतालों की स्थापना की है। मंदिर द्वारा बनाए गए सभी 5 अस्पतालों में मरीज को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। और आज यह देश में 10 बड़े ट्रस्टों में माना जाता है, और जितना काम हम लोगों ने परोपकार में किया है, खास करके उत्तर भारत में, उतना किसी भी दूसरे मंदिर के ट्रस्ट ने नहीं किया है। इस मंदिर की विशेषता है, और इस मंदिर में मतलब हर तरह का हम लोगों ने परोपकार से धर्म को जोड़ा है। 6-7 अस्पताल चला रहे हैं। अयोध्या से अभी एक हम लोगों का बहुत बड़ा सम्मान मिला है कि वहाँ भी हम लोगों को प्रशासन से आमंत्रण मिला है कि एक अस्पताल वहाँ भी हम बनाए जी। और हम लोगों का बहुत अच्छा संबंध संत रविदास मंदिर अयोध्या से है। उन्होंने पहले एक दलित पुजारी भेजा था, फिर उन्होंने वापस कर लिया। अभी दूसरा दलित पुजारी आचार्य अखिलेश दास जी को भेजा है, जो देखिएगा यहाँ पूजा आरती सब करते हैं। और यह मंदिर सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है, परोपकार और धर्म को जोड़ने वाला देश का पहला मंदिर है। और इसने बहुत सारे अस्पताल बनाए। कैंसर अस्पताल देश का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है। बच्चों का अस्पताल भी महावीर वात्सल्य अस्पताल है, ये भी देश के 10 सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है। इसी तरह से हम लोग काम करते जा रहे हैं। जब हम लोगों को मंदिर मिला था 11,000 रुपया इसकी वार्षिक आय बतलाई जाती थी, आज मंदिर की आय 18 मंदिर की केवल मंदिर की आय 18-20 करोड़ है।
और हम लोगों ने पिछली बार 170 करोड़ का बजट भेजा है धार्मिक न्यास बोर्ड को, और हम लोग एक विराट रामायण मंदिर बना रहे हैं जो 270 फीट ऊंचा है, 1080 फीट लंबा, 540 फीट चौड़ा है। ये सब मंदिर की उपलब्धियां हैं। तो जब भी पटना आए, पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में हनुमान जी की युग्म प्रतिमा का दर्शन जरूर करें, क्योंकि इस युग्म प्रतिमा में एक मूर्ति परित्राणाय साधु नाम अर्थात अच्छे लोगों के कारज पूर्ण करने वाली है, और दूसरी मूर्ति नाशे च दुष्कृतांबु अर्थात बुरे लोगों की बुराई दूर करने वाली है। ऐसे भी इंसान जब भी भगवान की शरण में जाता है तो उसकी यही दो चाहत प्रमुख होती है। और चलते चलते आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, स्टोरी को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। हम इसी तरह पर्यटन और आस्था के केंद्र से जुड़ी स्टोरी लाते रहेंगे। हनुमान जी की कृपा आप पर भी बरसेगी। नमस्कार।